नमस्कार, मेरा नाम क्रिप कपूर सूरी है और आप मुझे देख रहे हैं सीएनएस पिक्स पर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया। कितने एक्साइटेड हैं आप विश को लेकर? एक्साइटेड तो मतलब हमेशा ही एक्साइटमेंट तो जागती है जब आप कुछ नया किरदार करते हैं। और ये विश अगर हिंदी में देखा जाए तो जहर है, इंग्लिश में इसको करते हैं तो विश। बहुत तरह के विश होते हैं। या तो आपकी लाइफ में विश क्या है? विश मेरी लाइफ में लाइफ ही विश आई थिंक। ज़िंदगी को जहर, ज़िंदगी जहर कहते हैं ना, ज़िंदगी जहर है, लेकिन उसको अगर हम जहर ना समझ कर शरबत बना के, अमृत बना के पिए तो आई थिंक ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। डिपेंड करता है। हाँ यार, ये जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। विश हंटर, विश हंटर तो कहते हैं जिसको और ज़्यादा विश चाहिए। आप जितना भी कहते हैं कि चाहते ख़त्म नहीं होती ना, चाहते हैं और तमन्नाएं नार के लिए तो होती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, फिर दीवार की वजह चल जाती हैं। सो यहाँ पर इस विश हंटर की भी बहुत सारी तमन्नाएं हैं, उसको भी विश और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और विश कहाँ से मिलेगा? आई थिंक सबको पता है, जो इतना काली शक्तियों से भरपूर वाला होगा विश। तो फिर जब कभी भी आपको स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हो तो उसके पीछे आप क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हो, स्क्रिप्ट में ऐसा क्या होना चाहिए? मैं आई थिंक उस अभी मैं उस मुकाम पे पहुंचा नहीं जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट सेलेक्ट करूँ। बस ये कुछ माइंड में चलता है पढ़ने के बाद आपको लगता है? देखिए क्या होता है, हर स्क्रिप्ट मज़ेदार होती है ना, अगर नहीं है तो मज़ेदार हमें करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभार स्क्रिप्ट मज़ेदार नहीं होती बट हमें काम करना पड़ता है, बिकॉज हम काम करने आए हैं। और उसको मज़ेदार कैसे बनाना है, उसको उसके अंदर मसाले कैसे डालने हैं, और एक एक्टर के अंदर वो ही तो चीज़ होनी चाहिए। अगर वो कर सकते हैं, कर पाते हैं तो आई थिंक पर बड़ी कमाल की चीज़ है। तो स्क्रिप्ट, एक्साइटमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आई एम नॉट द वन एज ऑफ नाउ दैट आई शुड सी द एक्साइटमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ द कैरेक्टर। आई एम एट समवेयर वेयर आई हैव टू excite the character, I have to make that character and that particular story जो हम कर रहे हैं उसको कितना हम excitement की तरह लेकर और उसको दुनिया के सामने हम उसको portray कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तब मज़ा आता है। तो roles कैसे पसंद है आपको ज़्यादा, मतलब antagonist पसंद है, negative shades पसंद है? मुझे सब पसंद है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आया था, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंड ये मेरा काम है, मैं एक्टर हूँ। तो एक्टर के लिए मैं ये बोलूँ कि नहीं, ये चीज़ है, मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है, सब कुछ करना ही चाहिए और अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज एक एक्टर की ज़िंदगी में यही सब तो करना है। कभी नेगेटिव बन जाओ, कभी हंसता हंसाते रहो, कभी गाते रहो, कभी रुलाते रहो, तो कभी प्यार करते रहो, तो कभी ये करते रहो, तो कभी वो करते रहो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई सीरियल नहीं फॉलो करता। मैं मेजरली आजकल मेरी आई एम टोटली अ गाय हु वॉच मोर फिल्म्स। सो मेरे पास फिल्म्स मैंने बहुत सारी देखी हैं, तकरीबन मैं अब तक कुछ 6,500-7,000 फिल्म मैं देख के बैठ चुका हूँ। और मेरे पास बहुत सारी कलेक्शंस भी हैं ओरिजिनल DVDs, जो मैं खरीद के रखता हूँ। मेरा मन, मेरे इट्स माई पैशन, ये मेरा एक हॉबी समझ लो, पैशन समझ लो। तो तकरीबन 4,500 या 5,000 फिल्में हैं मेरे पास ओरिजिनल DVDs। नाउ तो नेटफ्लिक्स में पूरा ख़त्म करने की सोच रहा हूँ। मैंने अभी चॉपस्टिक देखी है नेटफ्लिक्स पे यार, इट वाज वेरी क्वाइट ऑफ बीट फिल्म बट वेरी नाइस। हाँ, पर बचा नहीं ना भी कुछ, तो अभी सब तुम जितनी मेरे पास पड़ी सब देख चुका हूँ मैं। और अभी जो बाहर से मिल रही है वो नेटफ्लिक्स, अभी रेंट पे कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा ना नेटफ्लिक्स पर। सो देन आई वॉच एवरीथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, आई बीन वॉचिंग अ लॉट नेटफ्लिक्स। धमाका तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, धमाका करने तो आए हैं हम लोग। धमाका नहीं करेंगे तो फिर हमें मज़ा नहीं आएगा। बाकी धमाका कब होगा, कैसे होगा, वो ऊपर वाला जानता है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि धमाका करना है, तो अगर आपकी जहन में ये बात आई है तो आई एम डैम श्योर कि फिर तो धमाका होना ही है आगे चलकर, क्योंकि अगर तभी तो आपके जहन में ये सवाल आया तो धमाका करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा, ऊपर वाले की देने। जी ज़रूर, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी
जिन्होंने अब तक मुझे बहुत सारा जो प्यार दिया है उनसे ये गुजारिश है, उनसे भी, और जिन्होंने अब तक नहीं दिया वो अब देना शुरू करेंगे भगवान की कृपा से। तो ये शो जो है हमारा विश 10 जून से कलर्स चैनल पे आने वाला है, मंडे टू फ्राइडे रात को 10:30 बजे। तो ज़रूर देखिए इस शो को जिसका नाम है विश, और ये विशेरा जो विश लेने आ रहा है शायद आपको अच्छा लग जाए कि विश। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।